अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सी होंगी हीलियम पॉजिटिव हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो पीछे एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा या फिर लिथियम टू पॉजिटिव ठीक है इन स्पीसीज़ की आप एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो अब एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट इज ई सब्सक्रिप्ट एन इक्वल टू माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेज टू पर माइनस एटीन जी स्क्वेर ठीक है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आएगा और यूनिट जूल पर एटम आएंगे अब यहां पे जी क्या है ये हमारे पास अटोमिक नंबर है राइट सो जी इज अटोमिक नंबर एंड एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट ठीक है कि आप कौन सी वाली ऑर्बिट ले रहे हो अब हमने कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्बिट की सो यू कैन राइट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव अब ई सबस्क्रिप्ट वन आ जाएगा राइट माइनस टू पॉइंट वन एट इन टू टेन रेस टू पर माइनस एटीन आ गया ही नंबर कितना होता है टू होता है राइट right? और कौन सी ऑर्बिट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है सो so, ये क्या आ जाएगा इन टू जी स्क्वायर दैट मीन्स टू का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर दैट मीनस वन का स्क्वायर आएगा यूनिट जूल पर एटम आ जाएंगे राइट सो एनर्जी इक्वल टू आपने फर्स्ट ऑर्बिट की फाइंड आउट करनी है माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेज टू पर माइनस एटीन इंटू टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा जूल पर एटम आ गया राइट सो टू पॉइंट वन एट इंटू फोर ये हमारे पास माइनस एट पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज टू पर माइनस एटीन जूल पर एटम दे देगा दैट स की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास इन केस ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन कितनी आ रही है माइनस एट पॉइंट सेवन टू इन माइनस एटी जूल पर एटम राइट अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है हमने इस ऑर्बिट का रेडियस भी फाइंड आउट करना है रेडियस का फॉर्मूला रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज आर सब्सक्रिप्ट एन इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन डिवाइडेड बाय जी इनटू एन स्क्वायर आ जाएगा राइट right? और ये रेडियस हम नैनोमीटर में फाइंड आउट कर रहे हैं अब ये एन यहाँ पे ऑर्बिट है सो so एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी और अटोमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना आता है टू आता है राइट right? सो so r रेडियस हम फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड आउट कर रहे हैं सो so r सब्सक्रिप्ट n आ गया और जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन डिवाइडेड बाय टू आ गया इंटू वन का स्क्वायर आ गया नैनो मीटर में राइट सो आर वन इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन इंटू वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन इंटू वन इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन आ गया तो so, जब आपने जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन को टू के साथ डिवाइड किया तो आपका फाइनल आंसर जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स फोर फाइव नैनो मीटर आ गया